जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैं यहाँ पे ना जो आपसे टॉपिक चल रहा है, मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट कोशिश करता हूँ, डायरेक्शन में चीज ले जाऊं, क्योंकि मालिक भी बाहर रहती हैं और सुल्तान भी बाहर रहती हैं। मैं एक तो इंटरेस्टिंग वाकयात लिंक करता हूँ आपकी, सब टॉपिक पे रहूंगा मैं, कि हमने संडे को ना दावत दी थी दो देसी फैमिली को, ठीक है, उनका मैं वाकया सुनाता हूँ। दे आई मीन अमेरिका, तो वो जाहिर सी बात है यहीं थे। उनमें से जो एक खातून को हमने दावत दी थी, हमारे फैमिली फ्रेंड्स बने हैं, वो कुरान की हाफिज हैं, और उन्होंने मेरी वाइफ को ये वाकया सुनाया कि उनकी अम्मी विजिट वीजे पे यूएसए आई, और वो बता रही है अपनी अम्मी के बारे में मजाक करते हुए कि वो उन्होंने 20 कुरान खत्म किए, अमेरिका वीजा आई, अमेरिका में बजाय वो मुल्क घूमती इंजॉय करती, वो घर में हर वक्त कुरान अम्मी पढ़ती रहती थी, ठीक है। और जब उनसे कोई मिलने आता था ना मेहमान, तो वो शिकायत करता था कि ये देखो कुरान पढ़ी, हमसे बात ही नहीं कर रही। मैंने ये बात अच्छा, और वो जो जो दो फैमिली हमने बुलाई थी, मेरा मकसद मजाक उड़ाना नहीं, लेकिन उनसे मैंने थोड़ी देर बात की ना, तो मुझे लगा मैं अपनी इंग्लिश भूल जाऊंगा, ठीक है। वो ऐसे कि जो देसी होते हैं अपने आप को एसिमिलिएट नहीं करते, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं करते ये, और ना कल्चर में आते हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, है तो कॉमेडी बट ट्रू है। उन्होंने बोला मुझसे कि उनके अब्बू के जो बीमार है बहुत ज्यादा, और ना क्लाउड आ गए हैं। मैंने कहा ये कौन सी बीमारी है क्लाउड यार, ये कौन सी मेडिकल। वो क्लॉट को क्लाउड बोल रही थी। बात मेरा मजाक उड़ाना नहीं है, बात ये है कि आप, मैंने मैंने अपनी वाइफ से बोला यार ये कोई नई बीमारी जादू, ये कोई दिमाग का कैंसर है क्या क्लाउड। तो वो क्लॉट को क्लाउड बोल रही थी। फिर उसके बाद मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ज्यादातर कुरान पढ़ने में टाइम लगाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। इबादत में के बजाय अगर वो ट्रेन करें बच्चों को, अच्छी बातें दुनिया के बारे में सिखाएं, सवालों के जवाब दें, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया और लिंक किया कि वेस्टर्न में लोग एसिमिलेट नहीं होते। मालिज हाँ, तो मैं एक चीज बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी फैमिली में ना लड़के ज्यादा हैं, सारे कजिन्स मेरे, सारे लड़के, दो तीन लड़कियां थी और मेरी एज के जो थे वो सारे लड़के थे। तो क्या होता था कि ये लोग निकल जाते थे पाकिस्तान में, वो वीडियो गेम्स की शॉप्स होती थी ना, वहां जाके खेल रहे हैं कभी कुछ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं छोटी थी, मैं मुझे क्यों नहीं जाने की इजाजत है, मैं क्यों नहीं जा सकती वहां पर, वहां बहुत सारे लड़के होंगे, लड़के होंगे तो क्या हुआ, मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस चीज पे। तो मगर मुझे कभी समझ में नहीं आई उस वक्त ये चीज हो क्यों रही थी, जस्ट बिकॉज वी वर नॉट दैट रिलीजियस। और फिर मेरी नानी, ठीक है ना, मेरी नानी की शादी जब हुई ना, तो शी वॉज यू नो मुसलमान बनी उस वक्त थी वो, बट मगर मैंने कभी उनको लाइक नमाज और कुरान हिफ्ज करते हुए, शी केम टू कैनेडा, यहाँ पर आई थी, कभी नहीं देखा उनको। उन्होंने हर किसी को जो है, हमारे घर में हिंदू आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, जो भी आ जाए, किसी को इंसानियत के उस पे जो है ना वो करा। तो अब हुआ क्या, क्योंकि मेरी नानी नाना ने वो चीज मेरी माँ के अंदर डाली, मेरी माँ ने वो चीज मेरे अंदर डाली, हालांकि मेरा बाप जो था वो एक जालिम इंसान था, वो मेरे अंदर बहुत सारी चीजें डाल सकता था, मगर वो रिलीजियस नहीं था, वो रिलीजन अपने मर्द के हिसाब से यूज करता था औरत पे, मगर वैसे नमाजी का वो नहीं था, रोजे रखने वाला ये वो, तो दैट्स लाइक मैनिपुलेटिंग इस्लाम। सो जब आप ये चीजें देख रहे हो, चंद लोग ऐसे हैं, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जो लोग बाहर आ जाते हैं ना पाकिस्तान से निकल के और यहाँ आके रहना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर एक वो आ जाती है कि हाय हम अपने दीन से दूर हो रहे हैं, तो वो और ज्यादा मुसलमान होने की कोशिश करते हैं। मैंने पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा ओपन माइंडेड देखा है बनिस्बत यहाँ पर। यहाँ पर आप लड़कियों से मिलोगी, मिलोगे वो बिकिनी में होंगी, मगर माशाल्लाह ओ ये और वो, यू नो लाइक इस तरीके की बातें कर रही होती हूँ, तो मैं उनको देख के खड़ी होके कह रही होती हूँ, लाइक तुमको तो लोग मारने की धमकियां दे रहे हो, तुम यहाँ पर अभी भी उसी खुदा के पीछे पड़ी हुई हो, डजंट मेक सेंस। तीसरी बात ये कि सिर्फ हम इस्लाम को तो बोलते ही है ना। अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उस दिन मैं आपको बता रही थी कि वो जो पास्टर है उस पे, ओ ही हैज गर्लफ्रेंड, चेंज्ड माय लाइफ, ओ ही हैज डन दिस फॉर मी, हर संडे उसके वो ना उस पे लगाए हुए होते हैं उसने, कि वो उसको वॉच कर रही है एंड स्टफ, और मैं उसको कह रही होती हूँ यार यानी क्या उसने तुम्हारी लाइफ चेंज कर दी, पॉजिटिव चीजें वो बोल रहा है इस तरह से, तो टॉमी रॉबिन्सन उसको, टॉमी कह रही हूँ क्या है, टोनी है राइट, दैट पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर उसको सुन लो, जरूरी नहीं है वो
मगर मैंने तो उसको देखो, वो प्राइवेट प्लेन है और उसके पास इतने पैसे हैं, मैंशन उसकी है, गरीब लोगों से पैसे खप 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 खा रहा है। क्या तुम्हारी रिलीजन ने ये बताया था? जीसस ने ये कहा था कि लोगों से पैसे खप 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 खाओ, यू नो? एंड आई सी पीपल, तुम तो इनकी बात कर रहे हो ना। यहाँ पर मैं एक और औरत को जानती हूँ यार, उसका 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, एक में खुद रहती है, दूसरे में जीसस रहते हैं। उसके 2 बेटे हैं, वो लिविंग रूम में रहते हैं। उसके घर गई हूँ ना, तो पूरा कमरा उसने जीसस के, उसपे 10 बजे रात के आप बाहर नहीं जा सकते उसके घर से, क्योंकि 10 बजे के बाद बाहर इवल होता है और वो तुम्हारा पीछा करके घर के अंदर आ जाएगा। जब ये बातें आप सुनते हो ना, तो इस्लाम तो छोड़ो, आपका खुद यानी दिमाग घूम जाता है कि आप करो तो क्या करो ऐसे लोगों के साथ, यू नो? अब उसके बेटे हैं, देर एथियस्ट, वो कुछ बोलते नहीं है। आई थिंक इट हैज सॉरी, मोर टू डू विद द आइडेंटिटी क्राइसिस ऑल्सो, कि बाहर आके आप अपने एक तो गिल्ट ट्रिप पे आप चले जाते हो कि मैं अपना मुल्क छोड़ के आ गया हूँ, अपने मजहब हम मुसलमान मुल्क में नहीं है, और दूसरा ये कि आप अपने कम्युनिटी में इन रहने के लिए बहुत बहुत सारे लोग ड्रामे भी बहुत करते, झूठ भी बोल रहे होते हैं, रोजे भी नहीं रखे होते हैं, मगर झूठ बोलेंगे हमने रोजे रखे हुए, हम नमाजें पढ़े, मतलब दे गो टू दैट एक्सटेंट जस्ट टू मेक देम से, वो होलियर देन दाओ वाला जो इनका ट्रेट है, ओहा। वो तो कभी नहीं जाएगा कि दूसरा बुरा है, हम तो बहुत अच्छे नेक हैं। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक